हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी किया था, अर्थात हम चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब हम आज इस वीडियो लेक्चर में नंबर 4 RCI अर्थात आज हम स्टडी करेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा 4th पॉइंट है RCI, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो क्या होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म में? तो इसके नाम से ही क्लियर है कि रिंग बनेगी, अर्थात यहाँ पर रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि मोलिकुलर जो फॉर्मूला है वो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ध्यान दें, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बात आती है नंबर 2, तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं होंगे, वो फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। क्या होंगे फंक्शनल ग्रुप? डिफरेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो ये तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गई। तो यहाँ से मैं एक स्पेशल नोट लिख रहा हूँ, आपको इसे ध्यान रखना है कि इट इज पार्ट ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि यहां फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। तो ध्यान दें, आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। जैसे हमने इससे पिछले वीडियो में जब फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था तो उसके 2 एग्जांपल हमने RCI के लिए थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, बट गिव प्रायोरिटी RCI। अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में फंक्शनल आइसोमेरिज्म और RCI दोनों ही गिवन है तो ऐसी कंडीशन पर हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म को प्रायोरिटी देंगे। तो ध्यान रखना, आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म फंक्शनल आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है, अर्थात फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही है। बट हम यहाँ पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बजाय रिंग चेन आइसोमेरिज्म को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है? तो फिर यहाँ पर अब हमें कैसे पता करना है? तो सिंपल, यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर आपके पास मोड ऑफ अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होगा। तो इसका जो मेन है वो है मोड ऑफ अरेंजमेंट इन चेन डिफरेंट, अर्थात आपके पास जो भी चेन होगी उस चेन में जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट क्या होगा? डिफरेंट। अरेंजमेंट डिफरेंट होगा तो डिफरेंट से मतलब क्या है? डिफरेंट से मतलब है कि एक चेन आपकी ओपन होगी तो एक चेन आपकी क्लोज होगी। तो सिंपल सा तरीका है इसको पहचानने का, अगर एक चेन आपकी ओपन है एक चेन आपकी क्लोज है तो बताओ किसका एग्जांपल है? RCI का एग्जांपल है। अब आप देखिएगा, यहाँ से हम कुछ RCI के पेयर्स लिखते हैं। जैसे अभी हमने पेयर ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिखे थे, वैसे ही अब हम पेयर ऑफ RCI के लिखेंगे। अगर आपको डायरेक्ट पेयर से याद है तो हमें डायरेक्ट ही पता चल जाएगा कि ये RCI का एग्जांपल है या नहीं। तो उसमें से देखिएगा, फर्स्ट पेयर तो सेम होगा जहां हमने लिखा था एल्कीन, और एल्कीन का RCI था साइक्लो एल्केन। नंबर टू में हमने लिखा था एल्काइन, और हमें पता है कि एल्काइन का RCI क्या होगा? साइक्लो एल्कीन। नंबर थ्री में अगेन हम यूज करते हैं एल्काडाइन, और हमें पता है कि एल्काडाइन का जो RCI होगा वो होगा साइक्लो एल्कीन। नंबर फोर की हम बात करें तो नंबर फोर होगा एल्कीनोल। ध्यान रखना, इन ओल डबल बॉन्ड के साथ ओल है, तो इसका जो होगा वो होगा साइक्लिक एल्कोहल। तो ध्यान दें, अगर हम बात करें किसकी, पेयर ऑफ RCI अर्थात रिंग चेन के पेयर कौन से हैं, तो ध्यान दें इनके अंदर एक चेन तो होगी ओपन
और एक चेन आपकी क्या होगी, क्लोज। तो एक जगह हम ओपन चेन रखेंगे, एक जगह हम क्लोज चेन रखेंगे। जैसे एल्किन साइक्लो एल्केन, फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n। नंबर टू एल्काइन साइक्लो एल्किन, फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। थ्री एल्काडाइन और साइक्लो एल्किन, तो फॉर्मूला हो जाएगा क्या, CnH2n-2। नंबर फोर एल्किनोल, एल्किनोल और साइक्लिक एल्कोहल, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2nO। इसी के साथ ही आपके पेयर ऑफ RCI का पार्ट कंप्लीट होता है। आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा, अब हम यहां से कुछ एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है C3H6 जो फॉर्मूला है, इसकी दो फॉर्म है। एक फॉर्म हमने ये रिप्रेजेंट किया, ये A है, और एक मैं इसका ये फॉर्म रिप्रेजेंट करता हूँ, ये B है। अब हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B, व्हाट रिलेशन बिटवीन A एंड B। आप बताओ A और B के बीच में क्या रिलेशन है। तो मैं इसका ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन A, A हो जाएगा PI, बी ऑप्शन हो जाएगा CI, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा FI और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका MI। अर्थात पोजिशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। अब आप ज़रा देखिएगा, PI तो नहीं हो सकता, CI नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बट यही क्वेश्चन सेम है, आपकी बार हमने ऑप्शन चेंज कर दिए। पहला ऑप्शन है PI, सेकेंड ऑप्शन है CI, थर्ड ऑप्शन है FI, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और D है RCI, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो बताओ आंसर क्या होगा। तो हमें पता है कि ये FI भी है और RCI भी है, दोनों ही हैं। बट अभी हमने कहा था कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म में से हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म को प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी। अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है कि आपको C4H8 के आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं, सॉरी C4H8 ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विद रिलेशनशिप, अर्थात विद रिलेशन, आपको रिलेशनशिप के साथ में ये ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इसका DU, तो DU इक्वल टू 2 × 4 + 2 − 8 / 2 = 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक रिंग या फिर एक पाई बॉन्ड होगा। तो हम सबसे पहले पाई बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे। तो पाई बॉन्ड से मतलब क्या है, एल्किन, तो CCC ये एल्किन बना दिया, 1-butene। नंबर टू CC डबल बॉन्ड C, ये हो गया 2-butene। अब आप देखो ये 1-butene है, ये 2-butene है, दोनों में पोजीशन चेंज हो रही है, और अगर पोजीशन चेंज होगी तो बताओ कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। अब देखिएगा, क्योंकि ब्यूटेन की कितनी फॉर्म होती है, 2, ये तो ब्यूटेन की कौन सी फॉर्म बनाई मैंने, N। अब मैं इसकी कौन सी फॉर्म बनाऊंगा, आइसो। तो हम ब्यूटेन की अब आइसो फॉर्म के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, ये आइसो फॉर्म और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब मैं आपसे रिलेशनशिप पूछूं कि बताइएगा A और C में क्या रिलेशन है। तो आप देखो A के अंदर पेरेंट चेन में 1, 2, 3, 4 कार्बन है, जबकि आप देखिएगा C के अंदर पेरेंट चेन में 1, 2, 3 कार्बन है, अर्थात यहाँ पर चेन 3 कार्बन का है और यहाँ पर चेन 4 कार्बन का है। तो दोनों की चेन में डिफरेंस है, तो बताओ कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, चेन आइसोमेरिज्म होगा। अब हम बात करेंगे, ये तो पाई बॉन्ड वाले हो गए, अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, रिंग। तो अब आप देखिएगा रिंग के अंदर सबसे फर्स्ट, अगर हम सबसे फर्स्ट देखें 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन का ये रिंग हो जाएगा, उसके बाद में सेकेंड 3 कार्बन का रिंग और एक मिथाइल इस पर बार लगा देंगे ये बन के। अब आप बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो आप देखिएगा यहाँ पर पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, और यहाँ पर पेरेंट चेन 1, 2, 3 कार्बन का है। अगर पेरेंट चेन अलग अलग है तो इसका मतलब कौन सा पार्ट हो गया, चेन आइसोमेरिज्म का पार्ट हो गया।
अब हमें रिलेशन निकालना है किसमें। मैं आपसे पूछूं कि ए और फर्स्ट में क्या रिलेशन है, इस ए और इस फर्स्ट में क्या रिलेशन है, तो आपका जवाब क्या होगा, सी आई। क्यों? क्योंकि एक में ओपन चेन है, एक में क्लोज चेन है, अर्थात यहाँ चेन ओपन है, यहाँ चेन क्लोज है, तो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, आर सी आई। ऐसे में आपसे पूछूं, बताओ सी और सेकंड में क्या रिलेशन है, तो सी देखो क्या है, ओपन चेन, आपका सेकंड क्या है, रिंग चेन। अगर एक ओपन हो एक क्लोज हो तो ऐसी कंडीशन पर कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 C3H4, इसमें बताना है। तो सबसे पहले इसका ड्यू, तो आप देखिएगा ड्यू 2 × 4 2 − 6 2 8 8 × 4 4 × 2 अर्थात इसका ड्यू 2 आ रहा है, और ड्यू 2 है तो 2 पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 2 pi bond 2 ring या 1 pi bond और 1 ring, तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज है। तो हम सबसे पहले 2 pi bond के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट 2 pi bond का मतलब हो गया एल्काइन, तो अब आप देखिएगा कितने कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन के अंदर हम एल्काइन का केवल एक ही फॉर्म ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम सेकंड इसमें एल्काडाइन, 2 बार हम डबल बॉन्ड को यूज करेंगे तो इसका सेकंड आइसोमर हो जाएगा एल्काडाइन। अब आप देखिएगा यहाँ पर ए और बी के बीच में रिलेशन, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, अर्थात दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, और अगर दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो हम क्या बोलेंगे, बोथ आर फंक्शनल आइसोमर। अब हम बात करेंगे 2 ring, हमें पता है कि 3 carbon पर 2 ring पॉसिबल नहीं है, तो हम बात करेंगे 1 pi और 1 ring, तो इसका हम थर्ड आइसोमर बनाएंगे, थर्ड नंबर का आइसोमर जिसमें 3 member ring और उस पर एक डबल बॉन्ड यूज करेंगे। अब आप देखिएगा हम रिलेशनशिप पूछे आपसे कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशनशिप है, तो देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों तो ओपन चेन है और थर्ड के अंदर चेन क्या है, क्लोज है, अर्थात ये ओपन है ये क्लोज है, अगर एक ओपन होगा एक क्लोज होगा तो हमें पता है वो किसका एग्जांपल होगा, आर सी आई। तो इसका मतलब थर्ड जो है वो फर्स्ट और सेकंड के साथ में कौन सा आइसोमेरिज्म कर रहा है, आर सी आई। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 C4H6, इसमें भी हम इसके आइसोमर्स ड्रॉ करके उनके बीच में रिलेशनशिप की बात करेंगे। तो C4H6 में पहले DU, तो DU 2 × 4 2 − 6 2 4 × 2 = 8 8 × 2 = 10 10 × 6 = 4 4 × 2 = 2, तो इसका DU भी 2 आ रहा है, और DU 2 का मतलब क्या है, या तो 2 pi bond या फिर 2 ring या फिर 1 pi bond और प्लस में 1 ring, ये पॉसिबिलिटीज है। तो अब आप देखिएगा सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर ए 2 pi bond वाले, सबसे पहले हम 2 pi bond के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट C C C C ट्रिपल बॉन्ड, अर्थात 1-butyl। अब हम बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर देंगे, तो हमें पता है जैसे ही बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी, आप देखिएगा ये 1-butyl है, ये 2-butyl है, पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर। तो बताइएगा ये दोनों किसके एग्जांपल है, पोजीशन आइसोमर के एग्जांपल है। अब आप देखिएगा यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है, 4, और हमें पता है कि 4 carbon की 2 forms होती है, एक एन फॉर्म और एक कौन सी होती है, आइसो फॉर्म, तो ये इसकी आइसो फॉर्म बना दी हमने। क्या अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, नहीं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब C4H6 मतलब ब्यूटेन की केवल यहाँ एन फॉर्म यूज होगी, आइसो फॉर्म यूज नहीं होगी, और एन में जो बनेंगे वो दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 2 है। अब आप देखिएगा ये 2 pi bond में एल्काइन के बाद कंप्लीट होती है। अब हम यहाँ पर 2 times डबल बॉन्ड यूज करेंगे, तो नंबर फोर में C C C C, एक बार पाई बॉन्ड आएगा, एक बार पाई आएगा, इसको बोला जाता है एल्काडाइन। अब इसी का नंबर 5,
तो आप देखिएगा नंबर फाइव, हालांकि ये नहीं है तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये आपका आइसोमर नंबर थ्री हो जाएगा और ये आपका आइसोमर नंबर फोर हो जाएगा। फोर में हम क्या करेंगे, पाई बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करेंगे। तो अब आप ज़रा देखो, यहाँ पर पाई बॉन्ड है वन टू, यहाँ पर पाई बॉन्ड आपका वन थ्री, अर्थात पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। अगर पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, थ्री एंड फोर्थ आर द पोजीशन आइसोमर, क्योंकि यहाँ पर इनकी पोजीशन में डिफरेंट है। यहाँ पर पोजीशन क्या आ रही है, वन टू, यहाँ पोजीशन क्या आ रही है, वन थ्री, इसलिए पोजीशन डिफरेंट है, इसलिए हम इनको पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। अब आप देखिएगा, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड किसका पार्ट है, एल्काइन का, और आपका थर्ड और फोर्थ ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है आपका एल्काडाइन का। अब आप बताओ एल्काइन और एल्काडाइन्स क्या होते हैं, तो एल्काडाइन्स और एल्काइन्स आर द फंक्शनल आइसोमर। तो बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं, क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। अब हम बात करेंगे बी, वन पाई और वन रिंग, हम बात करेंगे वन पाई और वन रिंग। तो देखो वन पाई और वन रिंग में सबसे पहले हम फोर कार्बन का चेन, तो ये फोर कार्बन का चेन डबल बॉन्ड। अब आप हम चेन बनाएंगे फोर की बजाय थ्री, एक कार्बन कम का चेन, एक बार डबल बॉन्ड बाहर लगाएंगे, फिर हम डबल बॉन्ड को अंदर लाएंगे और फिर हम डबल बॉन्ड को रोटेट करेंगे, तो यहाँ से टोटल फोर आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। कितना आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा, फोर। अब आप ज़रा देखिएगा, इन तीनों में पेरेंट चेन है थ्री कार्बन का और इसमें पेरेंट चेन है फोर कार्बन का। ध्यान दें, सेकंड थर्ड फोर्थ में पेरेंट चेन है थ्री कार्बन का, इसमें पेरेंट चेन है फोर कार्बन का। तो बताओ पेरेंट चेन में अगर बदलाव हो गया, पेरेंट चेन डिफरेंट हो गई, तो क्या बोलोगे, चेन आइसोमर। तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फर्स्ट जो है इस सेकंड थर्ड और फोर्थ के साथ में क्या है, चेन आइसोमर का पार्ट है। अब आप ज़रा देखिएगा कि आपके टू पाई बॉन्ड वाले जितने भी आइसोमर्स हैं और बी आपके वन पाई और वन रिंग वाले जो हैं, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। अर्थात मैं आपसे पूछूं कि ए और बी में, अर्थात ए ये वाले और बी वाले, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो आपका आंसर होगा आर सी आई। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिएगा ए में जितने भी आपके आइसोमर्स हैं वो सभी कौन से हैं, ओपन चेन वाले, और आप देखिएगा बी में जितने भी आपके आइसोमर्स हैं वो सब कौन से हैं, क्लोज चेन वाले। अब आपको पता है कि एक ओपन चेन हो और एक क्लोज चेन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, आर सी आई। तो ध्यान रखना, आपके एल्काइन एल्काइन में पोजीशन है, एल्काडाइन एल्काडाइन में पोजीशन है, आपके जो चेन वाले हैं उनमें चेन आइसोमेरिज्म की पोजीशन है, और अगर मैं इन तीनों में बात करूं, इन तीनों में आप जरा देखिएगा, इन तीनों में बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है तो क्या बोलोगे, पोजीशन आइसोमर। तो फर्स्ट जो है वो सेकंड थर्ड फोर्थ के साथ तो क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि यहाँ चेन फोर का है, यहाँ चेन थ्री का है, और सेकंड थर्ड फोर्थ में सभी में डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है तो ये पोजीशन आइसोमर है। बट अगर हम ए और बी में रिलेशनशिप की बात करें तो ए और बी के बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, तो ए और बी के बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो आर सी आई का होगा। अब इसका एक और आइसोमर बाकी है, टू रिंग वाला, तो हम यहाँ पर टू रिंग वाले में केवल एक ही आइसोमर्स का फॉर्मेशन करेंगे जो कि बाईसाइक्लो है। तो ध्यान दें, ए बी के बीच में या ए और सी के बीच में रिलेशनशिप की बात करें तो वो क्या होगा, आर सी आई। क्यों, क्योंकि ए ओपन चेन है, बी भी क्लोज चेन है और सी भी क्या है, क्लोज चेन है, इसलिए ए बी के साथ में और ए सी के साथ में आर सी आई का पार्ट होता है। इसी के साथ ये आपका आर सी आई अर्थात रिंग चेन आइसोमेरिज्म कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें ये पता करना है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन गिवन है तो उसमें पता करना है कि हमें कैसे पता करेंगे कि इसमें चेन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, या फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, या फिर रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। तो आप इसको यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा, अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, अब तक हमने चेन आइसोमेरिज्म सी आई, पोजीशन आइसोमेरिज्म पी आई, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एफ आई और आर सी आई के बारे में स्टडी कर लिया।
अभी इसमें एक और बच रहा आपका MI, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बट हमारे पास समस्या ये होती है कि अगर कोई क्वेश्चन गिवन होता है तो हम उसमें पता कैसे करें, तो इसके लिए एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, आपको इस प्रायोरिटी ऑर्डर का ध्यान रखना है। ध्यान दें, आइसोमेरिज्म के अर्थात स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर हमें पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बाद में डिसाइड करते हैं MI, MI के बाद में डिसाइड करते हैं CI, और CI के बाद में डिसाइड करते हैं PI, पोजिशन आइसोमेरिज्म। RCI का तो हमें बिल्कुल देखने से ही पता चल जाएगा, और अगर प्रायोरिटी में भी बात करें तो RCI सबसे टॉप पर आएगा। तो ध्यान दें, सबसे टॉप पर कौन आएगा? RCI, क्योंकि अभी हमने जस्ट इससे पहले एक नोट लिखा था कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म और RCI में भी हम RCI को प्रायोरिटी देते हैं, और वैसे भी RCI के बारे में तो हमें ओपन और क्लोज को देखते ही पता चल जाएगा। अब आप देखिएगा, जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इस रूल का फॉलो करेंगे, कैसे कि आपके पास जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है उसमें सबसे पहले आप चेक करेंगे फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो FI होगी, आगे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिएगा फंक्शनल ग्रुप सेम है, सपोज दैट फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो हमें पता है कि वो फंक्शनल ग्रुप सेम है तो हमें पता है कि वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता, तो फिर हम चेक करेंगे MI के लिए। अब आप ध्यान दें, MI के लिए क्या होगा, अभी हम पढ़ेंगे कि MI हमेशा बाईवलेंट और ट्राईवलेंट, अर्थात जिसके दोनों साइड या तीन साइड एटम अटैच होता है वो एटम होता है। बस यहाँ पर चेन में डिफरेंस होना चाहिए, अगर चेन में डिफरेंस है तो वो MI है, अगर चेन में डिफरेंस नहीं है तो वो MI नहीं है। तो सपोज डेट मान लीजिएगा, अगर चेन डिफरेंट है बोथ साइड तो वो MI होंगे, अगर चेन सेम है तो वो MI नहीं होंगे। तो फिर हम थर्ड नंबर चेक करेंगे, थर्ड नंबर में क्या, हम फंक्शनल ग्रुप चेक कर चुके हैं, फंक्शनल ग्रुप सेम है, MI हम चेक कर चुके हैं कि चेन सेम है, तो ऐसी कंडीशन पर अगर पेरेंट चेन या फिर साइड चेन डिफरेंट है तो वो चेन आइसोमर होगा, और अगर ये डिफरेंट नहीं है तो वो चेन आइसोमर भी नहीं होगा। तो अगर वो चेन आइसोमर्स का पार्ट नहीं है तो कन्फर्म है फिर बचा हुआ किसका पार्ट होगा, पोजीशन आइसोमर्स का। तो ध्यान रखना, पोजीशन आइसोमर सबसे लोअर है। अगर आपके पास किसी फॉर्मूले में फंक्शनल ग्रुप भी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी नहीं है, MI भी नहीं है, CI भी नहीं है, तो क्या बचेगी? MI। तभी हमने इससे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन किया था, उसमें पोजीशन और चेन दोनों में डिफरेंस था, बट हम प्रायोरिटी पे किसको रखते हैं? चेन को। इससे जस्ट पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, उसमें RCI भी था और FI भी था, बट हम किसको प्रायोरिटी पे रखते हैं? RCI को। एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपके जो MI है, ये MI भी CI और PI का ही पार्ट है, अर्थात एक मेटामेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है, बट हम यहाँ पर जो प्रायोरिटी रखते हैं वो किसको रखते हैं? मेटामेरिज्म को रखते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अब हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिएगा, जस्ट मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने, ये ए आइसोमर है और ये बी आइसोमर है। अब आप ज़रा देखिएगा, हमें पता करना है कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे फर्स्ट FI के लिए चेक करेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो आप ज़रा देखो, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन। तो हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप चेक करेंगे, यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन। इसका मतलब ये FI का पार्ट नहीं है। अब हम चेक करेंगे नंबर टू, चेन का अरेंजमेंट। आप ज़रा देखिएगा, ये आपका बाइवेलेंट है, इसके वन साइड वन चेन है और इससे वन साइड थ्री कार्बन का चेन है। आप ज़रा देखो, इसके वन साइड तो वन है बट यहाँ पर चेन केवल यही दो कार्बन का होगा, अर्थात यहाँ पर चेन में डिफरेंस आ रहा है, अर्थात क्या बोलेंगे हम यहाँ पर,
चेन में डिफरेंस आ रहा है, और आपको पता है अगर चेन में डिफरेंस आ रहा है तो ये एम आई का पार्ट है, अर्थात इसके अंदर मेटामेरिज्म हो रही है। अगर मेटामेरिज्म हो रही है तो अभी हमने कहा था कि एम आई वालों में या तो सी आई होती है या फिर पी आई होती है। तो अब हम यहाँ चेक करेंगे कि इसमें चेन आइसोमेरिज्म है या पोजिशन आइसोमेरिज्म है। तो उसके लिए हम नंबर थर्ड में चेक करेंगे क्या पेरेंट कार्बन चेन। तो ज़रा देखिएगा यहाँ पर पेरेंट चेन 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ देखो 1, 2, 3, 4 दोनों के अंदर पेरेंट चेन में चेंज है। यहाँ पर पेरेंट चेन 5 कार्बन का है, यहाँ पेरेंट चेन 4 कार्बन का है। अगर पेरेंट चेन में डिफरेंस है तो बताओ बोथ आर क्या होगा सी आई। तो ध्यान दे अभी हमने कहा था कि एम आई सी आई का ही पार्ट है, तो एम आई और सी आई में से प्रायोरिटी पे एम आई को रखा जाता है। अब हम बात करेंगे नंबर 4। आपको पता है अगर ये सी आई है तो यहाँ पर पोजीशन का कोई भी रोल नहीं है। तो आप देखो यहाँ भी पोजीशन कितनी है 2, यहाँ पर भी पोजीशन 2 है, तो यहाँ पर पोजीशन आइसोमर नहीं होगा। इसी के साथ ये आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म को आइडेंटिफाई करने का प्रायोरिटी ऑर्डर कंप्लीट होता है। तो ध्यान दे एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो उसको सोल्व करने के लिए पहले फंक्शनल ग्रुप चेक करेंगे, उसके बाद में चेन का अरेंजमेंट चेक करेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा तो FI फिर हम नीचे चेक नहीं करेंगे, और अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो फिर हम चेन अरेंजमेंट चेक करेंगे। अगर चेन अरेंजमेंट सेम होगा तो MI नहीं होगा, हम नीचे चेक करेंगे, और अगर चेन अरेंजमेंट डिफरेंट होगा तो वो MI होगा, फिर हम नीचे चेक नहीं करेंगे। अगर आपका मान लो ये सेम है तो हम पेरेंट चेन चेक करेंगे, अगर पेरेंट चेन डिफरेंट है तो CI होगा, अगर पेरेंट चेन सेम है तो CI नहीं होगा, फिर हम पोजीशन चेक करेंगे, अगर पोजीशन डिफरेंट होगी तो वो पोजीशन आइसोमर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।